गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और हम फ्रेश होके नहा धोवा के एकदम रेडी हो गए। आज संडे, कोई क्लास वगैरह नहीं है और टेस्ट तो मेरा टेंशन खत्म ही होगी, आपको बता ही चुके हैं। तो बस खाना आ चुका है मेरे प्लेट में, जल्दी से खाना खत्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं ब्लॉग में। लेट्स स्टार्ट है। 5 बज रहे हैं और जैसा कि कल हम निकलने वाले थे काके डैम के लिए, पर अभी निकले हैं, आज निकले हैं, तो अभी लगभग पहुंच ही गए। पीछे दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा नज़ारा, और मेरे साथ आदित्य है साथ में। तो हम लोग जाने वाले थे पर यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रहा था अभी, और बारिश में हम लोग फंस चुके हैं। देखते हैं अगर बारिश कम होता है तो थोड़ी देर के बाद निकलते हैं। फिलहाल तो अभी इतना ही है। काके डैम आ चुके हैं, तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। अभी हम पुल के ऊपर खड़े हैं और पुल के ऊपर पीछे यहाँ पर मोटर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से पानी वगैरह सप्लाई के लिए जाता है और थोड़ा सा पानी का स्पीड को स्लो भी किया जाता है। यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है नीचे का, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये नज़ारा है कुछ यहाँ का। आज का मौसम बारिश का किया है, तो आज का मौसम बहुत सुहाना टाइप का मौसम है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा हवा लग रहा है फेस पे, और गाड़ी में चल रहे तो और मज़ा आ रहा है बहुत, मतलब भयानक बात। ये जो गली जैसा जगह है, मतलब ये पुल के ऊपर, ये बहुत पतला जगह है, तो जिसकी वजह से मतलब यहाँ से ऑटो और कार वगैरह तो पार नहीं हो सकता है, बट हाँ बाइक वाला जाता है, और एक साइड दो बाइक भी यहाँ से नहीं जा सकता है क्योंकि ये रास्ता बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं। बस यहाँ अगर आपको डेली डेली मॉर्निंग में आना है एंजॉय करने के लिए, तो अगर आप रांची में रहते हैं तो आप यहाँ डेली सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हैं, और थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए फैमिली लोग के साथ भी आ सकते हैं। और अगर आपको पार्क की, यहाँ अगर पार्क का बात किया जाए तो यहाँ एक पार्क भी है छोटा सा, इसको बोलते हैं रॉक गार्डन पार्क। यहाँ नीचे भी एक पार्क है, एक पार्क ऊपर भी है, तो नीचे पार्क का तो एंट्री फ्री है, बट हाँ ऊपर पार्क में आपको जाना है तो आपको 40 रुपया फाइन, मतलब फीस लगेगा। तो यहाँ पार्क में भी जाके एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड लोग के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहा है, और यहाँ जो मेरा दोस्त है ये चूड़ा लाइट खा रहा है और ये स्माइल भी कर रहा है, इसका आदत है, ये चूड़ा लाइट खाएगा और स्माइल करेगा। तो आप इसे पिछले भी ब्लॉग में मिले थे जब हम लोग वैक्सीन लेने गए थे, तो आज भी ये दोस्त आदित्य भास्कर जी मेरे साथ है, मेरे घर के बगल में रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाला नहीं है वैसे। और आगे से एक बाइक आ रहा है जो हमको घूर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बन करते हैं। आपको जो ये फाटक दिख रहा है जिससे कि पानी रुका हुआ है डैम में, और जब पानी ओवर हो जाता है तो ये फाटक खोला जाता है जिससे पानी बाहर आ जाता है। तो ये जो अंकल वहाँ बैठे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये अभी हम लोग को फाटक खोल के दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं फाटक खुलने के बाद कैसा नज़ारा होता है यहाँ का पानी गिरने के बाद। गाइस आप देख सकते हैं कि बारिश रुक चुका है, बिल्कुल भी बारिश अब नहीं हो रहा है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो कि छाता का उपयोग कर रहे हैं। अब ना जाने कि वो छाता का उपयोग क्यों कर रहे हैं, बट बारिश खत्म हो गया तो फिर छाता का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, इसे जानने का इस सारे यूट्यूब के व्यूअर्स का हक है। सब जनता को पता चलना चाहिए कि वो लोग छाता क्यों लगाया है। क्या आदित्य आप बताना चाहेंगे वो छाता क्यों लगाया है? गर्मी लग रहा था, गर्मी है भाई, गर्मी, लॉजिक है भाई के बाद में। हाँ, तो जैसा कि अभी गर्मी का मौसम नहीं है पर फिर भी उन लोगों को गर्मी लग रहा था। अब ये एक और सवाल पैदा हो जाता है कि गर्मी आखिर क्यों लग रहा था जब गर्मी का मौसम नहीं है अभी। तो क्या उन्हें गर्मी लग रहा था इसलिए वो छाता लगाए थे, या फिर वो बारिश से बचने का नाटक कर रहे थे? इस बात का खुलासा करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं पीछे, मतलब इतना फ्रेश हवा यहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट हवा आ रहा है और फेस में पड़ रहा है, मतलब बहुत फ्रेश हवा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने में, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ बैठ के। अभी हम हैं काके डैम में जो कि रांची में है, तो देखिए क्या नज़ारा है, आपको एक सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं छोटा सा। खुद क्या देख लीजिए, आदित्य भास्कर यहाँ टॉयलेट करने जा रहा है टॉयलेट करने जा रहा है जा रहे कुछ
जो बोलता है वो करता नहीं, हमको पता है, तो तुम कुछ नहीं करने वाला है सर। पता होगा जान कितना कीमती होता है, हर एक इंडिविजुअल का जान बहुत कीमती होता है। उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी माँ, उसके पापा सब सोचते हैं आप यहाँ बात कर रहे हैं एक ब्लॉगिंग वीडियो जिसमें हम अपना डीलर दिखाते हैं, पर यहाँ पर ये वीडियो बन चुका है एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें आदित्य भास्कर जी अपना ज्ञान बता रहे हैं हम लोग को। आप लोग मछली पकड़ते हैं अंकल? अंकल मछली मारते हैं, बेचते भी है क्या? अच्छा, अपने लिए। गाइस ये डंडा देख सकते हैं अंकल का, कितना बड़ा डंडा, इसे ये मछली पकड़ते हैं। क्या बना रही है? चिल्ली। तो इसमें तो चिल्ली नहीं, इसमें तो बस ग्रेवी दिख रहा है। सोयाबीन चिल्ली, सोयाबीन चिल्ली। अच्छा, सोयाबीन चिल्ली मम्मी फ्राई करके रखी है और अभी ग्रेवी तैयार कर रही है और उसमें डालने वाली है थोड़ा सा लाल मिर्च स्वाद अनुसार और कुछ देर के बाद ही चिल्ली बन के हो जाएगा तैयार। तो खाने के लिए आप रहिए रेडी, आप नहीं हम रहेंगे रेडी। गाइस रात के अभी 10 बज रहे हैं और सोने का टाइम हो चुका है, मम्मी पापा भैया सब कुछ सोने जा चुके हैं और हम छत पे आकर अभी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बना रहे हैं अभी और अभी कुछ कुछ वीडियो एडिट भी करना है मेरे को, जो कि कल मेरे को अपलोड करना है। खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा और आपने देखा कि आज हम कितना ज़्यादा इन्जॉय किए, हम और आदित्य घूमने निकले थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया आज वाला, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप कभी कागे टाइम घूमने गए हैं या फिर कभी घूमने आना चाहते हैं तो कमेंट करें। और अगर आप मेरा चैनल में नए हैं या फिर अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रेगुलर डेली बेसिस पे वीडियो मिलते रहेगी। तो सब्सक्राइब करने से पीछे नहीं हटे, सब्सक्राइब कर ही दें मेरे चैनल को, ठीक है? फिलहाल आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।